सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम काफ़ी लंबे समय के बाद बना रहे हैं एक ऐसी वीडियो जहां पर आपको बताएंगे विवाह के उपाय। हमारे पास डेली बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि हमारी शादी के लिए रिश्ता आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, रिश्ता वापस चला जाता है, तो इसका उपाय बताया जाए। तो आज हम आपको बताएंगे तीन उपाय लड़कियों के लिए, तीन उपाय लड़कों के लिए। तीनों ही करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आप कम्फर्टेबल हों कोई एक उपाय कीजिएगा, इससे आपकी शादी का योग ज़रूर बनेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले कुछ सावधानियां दोस्तों जो आपको फॉलो करनी है, जैसे ही उपाय शुरू होगा साथ में ये भी शुरू कर देनी है। अगर आप किसी प्रकार का व्यसन करते हैं तो दोस्तों कृपया इसे त्याग दीजिए, तब तक जब तक कि आपकी शादी की बात पक्की नहीं हो जाती है। और इसी के साथ आपको जो भी उपाय बताएंगे इनमें से कोई भी एक अपनी पूरी श्रद्धा के साथ करना है। आजकल के नौजवान काफ़ी बाधाओं का सामना करते हैं, पहले पढ़ाई की चिंता, फिर नौकरी की, और जब नौकरी लग जाए तो शादी की। बल्कि इस उम्र के नौजवानों के माता पिता को तो जैसे कोई और काम ही नहीं रहा, वो अपने बच्चे की शादी की बात से परेशान रहते हैं। तो अगर ये सभी बाधाएं आपके जीवन में भी हैं तो चिंता मुक्त हो जाइए, अभी आपको बताने जा रहे हैं उपाय। सबसे पहले हम बात करेंगे उपाय लड़कियों के लिए। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और चाहते हैं उसे जीवन साथी बनाना, यदि आपके प्रेम विवाह में अड़चने आ रही हैं तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फोटो के आगे ये जो मंत्र आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, इस मंत्र की रोज 3 माला जाप करें और इस उपाय को शुक्ल पक्ष के पहले ही गुरुवार से शुरू करें। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और विवाह के लिए सफलता के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद है दूसरा उपाय, विवाह योग लड़कियों को शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी पीली वस्तु अपने पास जरूर रखें, ये करने से विवाह शीघ्र होने की संभावनाएं बन जाती हैं। इसके बाद आता है तीसरा उपाय, यदि कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रही है तो पूजा वाले 5 नारियल लें, भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के आगे रखकर जो ही आपकी स्क्रीन के सामने मंत्र आ रहा है, मंत्र का 5 माला जाप करें, फिर वो 5ों नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दें, विवाह की बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। तो ये थे लड़कियों के लिए 3 उपाय, अब बात कर लेते हैं लड़कों के लिए 3 उपाय कौन कौन से हैं। पहला उपाय, जिन लड़कों की विवाह की आयु हो चुकी है मगर विवाह में बाधा आ रही है उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में शुक्रवार की रात्रि को 8 छुहारे जल में उबालकर जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान के सिरहाने नीचे रख लें, मतलब अपनी खटिया या बेड के नीचे रख लें, और अगले दिन शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद किसी भी बहते पानी में इन छुहारों को प्रवाहित कर दें। यहाँ से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा, और ये उपाय आपको लगातार 7 शुक्रवार तक करना है। इसके बाद आता है दोस्तों दूसरा उपाय, जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है या प्रेम विवाह में विलम्ब आ रहे हैं उन्हें शीघ्र मनपसंद विवाह के लिए श्री कृष्ण जी के इस मंत्र का 108 माला जाप करना चाहिए जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। आपको जो भी इस वीडियो में विधि बता रहे हैं या मंत्र बता रहे हैं कृपया उसे लिख लीजिए, या फिर आप हमारी वीडियो किसी भी समय दोबारा देख सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा उपाय, जिन लड़कों को शीघ्र विवाह की कामना हो उन्हें गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए, तथा इसी के साथ ही थोड़ा सा गुड़ व चने की पीली दाल का भोग भी गाय को लगाना अति शुभ होता है, और ये करते हुए आपको गाय के कान में फुसफुसाते हुए अपनी कामना बतानी है, अपनी इच्छा व्यक्त करनी है। देखिएगा जल्द ही आपकी शादी के लिए रिश्ते की बात पक्की जरूर हो जाएगी। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, विवाह में देरी का मतलब ये नहीं है कि आपका भाग्य ठीक नहीं है। चीज़ों को समय दें और सकारात्मक रहें, जैसा सोचेंगे वैसा ही होता जाएगा आपकी लाइफ में। तो दोस्तों ये थे 3 उपाय लड़कियों के लिए, 3 उपाय लड़कों के लिए। आपको तीनों में से कोई भी एक जिसमें आप कंफर्टेबल हों कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी शादी के चांसेस ग्रो होंगे और आपकी शादी के लिए रिश्ता भी आएगा और वह पक्का भी जरूर होगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, शादी किस उम्र में होगी, आपका जीवन साथी कैसा होगा, इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, विस्तार से आप जान पाएंगे, देखिएगा ज़रूर। और अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ, रिप्लाई मिलने में आपको थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि हमारे पास डेली बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं, पर रिप्लाई मिलेगा ज़रूर।
और इस वीडियो के रिलेटेड अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्यूचर में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, क्या पता आपको नहीं उनको जरूरत हो इन उपायों की तो वो कर सकेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।